सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गो सेवा मिशन के राष्ट्रीय प्रधान स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के आशीर्वाद से 19 जुलाई से 27 अगस्त तक श्री तुलसीदास जी जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 24 घंटे तक 40 दिवसीय विभिन्न पाठ किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गो माता की सेवा के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने श्री देवीतला मंदिर के श्री राम हाल में मंदिर के पुजारियों व ब्राह्मण समाज के साथ बैठक की। बैठक में गो सेवा मिशन के प्रमुख सेवक एवं पूर्व चेयरमैन जिला योजना बोर्ड जवाहर खुराना तथा वेद पाठी आचार्यों और ब्राह्मण भी शामिल रहे। इस मौके पर स्वामी कृष्णानंद महाराज जी ने कहा कि हमें गो सेवा के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। जो भी मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं उन्हें खास तौर पर गो माता के देसी गौ माता की ज्योति घरों में जलाने का आग्रह करें। मंदिर में चल रहे 40 दिवसीय धार्मिक आयोजन में खासकर 11-11 बार गो माता की माला का जाप करें ताकि हर इंसान तक गो सेवा का प्रचार प्रसार पहुंच सके। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। अपने चिंतन से, ध्यान से, योग से, जिस तरीके से भी गौ माता की रक्षा, हमारा धर्म सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने चिंतन करके सभी ब्राह्मणों को साथ में लेकर के आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रेरणा दिए हैं उसके लिए महाराज जी को शत शत प्रणाम। और आगे भी इसी तरीके से ब्राह्मणों का और सभी जनमानस का मार्गदर्शन करते रहेंगे, यही माँ भगवती से मैं आशा करता हूँ। और महाराज जी की जो निर्देशन पर सभी काम करेंगे ऐसा मेरा मानना है। आगे भगवती सत्प्रेरणा दे और आगे बढ़ाए सभी को धर्म की रक्षा के लिए, सभी के मन में अंदर से प्रेरणा बने और सब जनमानस के लिए आगे अपने धर्म संस्कृति और गौ माता की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहे, यही कामना करता हूँ। जय माता दी। जय। श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर कैनाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बाबा बालकनाथ नगर मकसूदा बाईपास जालंधर में 33 दिवसीय श्री श्याम यात्रा के उपलक्ष्य में संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक बबली शर्मा ने बालाजी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर महेश गुप्ता, बॉबी खन्ना, सुधीर गुप्ता, रेणुका महेंद्रू, किरण अग्रवाल, हरीश महेंद्रू, दिनेश पुरी, स्मृति शर्मा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। राधा वृंदेश जी के मंदिर में जो कि मकसूदा बाईपास पर स्थित है, खाटू श्याम जी सालासर राजस्थान से पधारे हैं और इसी मंदिर में आज भजन गुणगान हो रहा है और श्रद्धालु बहुत संख्या में, करीब 400-500 की संख्या में इस समय उपस्थित हैं और सब भजन कीर्तन में व्यस्त हैं। मेरे साथ मंदिर के प्रधान महेश गुप्ता जी, सेक्रेटरी हरीश महेंद्रू जी भी खड़े हैं और इस सारे का आयोजन जो है ये इस मंदिर कमेटी ने मिलकर किया है, जिसके कि 5-6 सदस्य हैं और सब जो है ये पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है। पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज का हम सब पर आशीर्वाद है, उसी से इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसी से इसी तरह भजन कीर्तन होते हैं। आज खाटू श्याम जी का भजन कीर्तन हो रहा है, इसी तरह हर इतवार को क्रमवार संकीर्तन होता है मंदिर में, जिसके कि 98 संकीर्तन हो चुके हैं और
99th संकीर्तन ड्यू है जो कि हर इतवार को होता है और उसके पश्चात प्रसाद का वितरण होता है। ये सब महाराज जी के आशीर्वाद से, ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। इसमें गुरु माता जी का भी बहुत बड़ा योगदान है जो कि हर समय हम सबको ब्लेसिंग्स देते हैं और हमको प्रोत्साहित करते हैं। उन्हीं का प्रोत्साहन है, महाराज जी का आशीर्वाद है कि मंदिर में भव्य आयोजन होते हैं और सब लोगों का, कॉलोनी वासियों का और मंदिर परिसर के जो सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं, उन सबका सहयोग है। हम सबका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि सब लोग अपना सहयोग देते रहेंगे और इस मंदिर को ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, शिखर तक लेके जाएंगे, जैसा महाराज जी का आशीर्वाद है। ये सब श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का सपना था, जो सपना साकार हो रहा है और उसी सपने को आगे बढ़ाने के लिए हम सब जो है क्रमबद्ध तरीके से पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। और मैं आशा करता हूँ कि सब जलंधर वासी इसमें सहयोग देंगे। धन्यवाद। जय गौर श्री राधा रंग जयती श्री मनमाधव गौड़ेश्वर वैष्णाचार्य श्री पुंडरीक स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद से आज लड़ीवार 98वां नाम संकीर्तन राधा विंदेजू के प्रांगण में हो रहा। उसके अंतर्गत आज खाटू श्याम जी सबको आशीर्वाद देने के लिए श्री राधा कृष्ण जतन महाबू मंदिर के नाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बाबा बालक में पधारे हैं। मैं दैनिक सवेरा का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ जिसके माध्यम से सभी लोग खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर रहे हैं और हरिनाम संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि राधा विंदेजू के प्रांगण में जरूर आए और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ पर भूतेश्वर महादेव जी के भी दर्शन हैं और गौशाला के भी दर्शन हैं। श्री राधा कृष्ण चतन महाबू मंदिर कनाल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बाबा बालकनाथ नगर मकसूदा बाईपास जलंधर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी महाराज सेवा समिति ट्रस्ट की तरफ से सभी पदाधिकारियों सभी भक्तवृंद की तरफ से मैं सबको बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। खाटू श्याम बाबा की जय हो, श्री राधा विंदेश जी की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की जय हो। बोले राधा विंदेश जी भगवान की जय, खाटू नरेश की जय। आज हमारे राधा कृष्ण गोस्वामी सेवा समिति ट्रस्ट मंदिर में खाटू धाम जी से चलकर 33 दिवसीय खाटू धाम यात्रा जो कि मंदिर पर आंगन में उपस्थित हुई है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि लोग खाटू धाम जाते हैं, घंटों लाइनों में लगते हैं, लेकिन वहां से खाटू धाम से यात्रा चल के खाटू श्याम खुद हमारे मंदिर में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं कामना करता हूँ कि जो आशीर्वाद हमारे गुरु महाराज जी का श्री पुंडरीक गोस्वामी जी के माध्यम से जो हम ये कार्यक्रम करते हैं, संकीर्तन करते हैं, ऐसे ही चलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आई हुई संगत का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और ऐसे ही कामना करता हूँ कि अपने बच्चों को भी साथ लेके आए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसके 8वें दिन दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित हरीश सचदेवा के परिवार की ओर से 24 जुलाई से 30 जुलाई तक सायं 7 बजे से 10 बजे तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके 7वें दिन कथा व्यास महावीर शर्मा ने कथा कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम चंद्र महाराज की जय। सर्वदेवी श्री गौ माता की जय।
सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। परम दयालु माँ भगवती जगदम्बा त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ देवी तलाब मंदिर में इन दिनों पुरुषोत्तम मास का सुंदर सोसर श्रवण मास के इस पावन पर्व पर सर्वदेवी गुरु माता की सेवा रक्षा हो। हम सबके हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति देश के प्रति प्रेम हो, भगवत चरणों में प्रीति हो, इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के परम दयालु गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का 40 दिवसीय जयंती महामहोत्सव भगवत आराधना महोत्सव दिनांक 19 जुलाई से 27 अगस्त तक मनाया जा रहा है। कोई ये भी कहेंगे कि इतने दिन ये सत्संग का इतना लंबा सत रखने का क्या लाभ है, तो हमने महापुरुष सुना है तो स्वामी जी कहते हैं बहु काल करिए सत्संग है। ओ मन विच मन मोहन बसा ले जंगला चौकी टोलना, जंगला चौकी टोलना, हर वेले हर अंदरों ही पाले, हर वेले हर अंदरों ही पाले, जंगला चौकी टोलना। ओ मन विच मन मोहन बसा ले जंगला चौकी टोलना, जंगला चौकी टोलना। ओ मन विच मन मोहन बसाला मंगला चौकी टोलना, जंगला चौकी टोलना। दिल दिन रात जो तड़कदा है, रात जो तड़कदा है, देख तेरा दिल दिन रात जो तड़कदा है, रात जो तड़कदा है, एक एक पाप तेरे सीने च रड़कदा है, सीने च रड़कदा है, एक एक पाप तेरे सीने च रड़कदा है, सीने च रड़कदा है। एनु शीशे वांग साफ तू बना ले, एनु शीशे वांग साफ तू बना ले, जंगला चौकी टोलना, मन विच मन मोहन बसा ले जंगला चौकी टोलना, जंगला चौकी टोलना, हर बेले हर अंदरों ही पाले, हर बेले हर अंदरों ही पाले, के जंगला चौकी टोलना। ओ मन विच मन मोहन बसा ले जंगला चौकी टोलना, ओ जंगला चौकी टोलना, जंगला चौकी टोलना, जंगला चौकी टोलना। सारे काम छड दे तो ओदी जिम्मेवारी उत्ते, ओदी जिम्मेवारी उत्ते, सारे काम छड दे तो ओदी जिम्मेवारी उत्ते, ओदी जिम्मेवारी उत्ते, जीवन दा खेल छड कृष्ण मुरारी उत्ते, कृष्ण मुरारी उत्ते, जीवन दा खेल छड कृष्ण मुरारी उत्ते, कृष्ण मुरारी उत्ते, सारे काम छड दे तो ओदी जिम्मेवारी उत्ते, तू ओदी जिम्मेवारी उत्ते, जीवन दा खेल छड कृष्ण मुरारी उत्ते, जीवन दा खेल छड कृष्ण मुरारी उत्ते, जीवन दा खेल छड कृष्ण मुरारी उत्ते। ओ फिर तन्ने वांगू, फिर तन्ने वांगू नौकर बना ले, नौकर बना लग, जंगला चौकी टोलना,
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों की श्रृंखला के अंतर्गत 9वें दिन की प्रभात फेरी भगवान वाल्मीकि मंदिर बस्ती दानिशमंदा से निकाली गई, जो कि मंदिर प्रांगण से शुरू होकर इलाके की परिक्रमा करते हुए वापस मंदिर प्रांगण में आकर आरती के साथ संपन्न हुई। इस प्रभात फेरी में समूह इलाकावासी शामिल हुए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ 15-20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ
Yeah.
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर देहात पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया काबू, 500 ग्राम हेरोइन, 95,000 की ड्रग मनी की बरामद। विधानसभा क्षेत्र खेमकरण के अधीन आते गांव कलसिया कला में एक्साइज विभाग ने एक घर में की रेड, 1000 लीटर लाहन, 20 बोतल अवैध शराब और 5 ड्रम लाहन के किए बरामद। अमृतसर में दिन दिहाड़े चोरों ने कोट रोड पर दो दुकानों को बनाया निशाना, 7,000 रुपयों की नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।